ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई जरूर करते हैं बट उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, उनको मिलता नहीं, बैंक उन्हें क्रेडिट कार्ड देता ही नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड आज के टाइम एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को चाहिए अपने रोज़मर्रा के खर्चे करने के लिए। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में है कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की। एक वो क्रेडिट कार्ड है जो बैंक कभी इशू करने के लिए डिनाई नहीं करता, मना नहीं करता, हर हालत में इशू कर देता है और ज़्यादा पेपर वर्क के बिना, ज़्यादा बैंक में चक्कर लगाए बिना। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड वो क्रेडिट कार्ड होता है जो आपको कोलैटरल डैमेज के अगेंस्ट इशू होता है, यानी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट गिरवी रखते हैं तो उसके अगेंस्ट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है। बैंक ज़्यादातर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इसलिए इशू कर देता है क्योंकि उन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी फिक्स डिपॉजिट, आपका पैसा आपके ज़रिए गिरवी रखा है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट गिरवी रखते हैं, उसके बदले आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों को आसानी से मिल जाता है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, जिनका क्रेडिट स्कोर कम होता है या जिनको पहले किसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना कर दिया हो। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि आखिर आपको पैसा कितना मिलेगा। अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट कोलैटरल डैमेज की तरह गिरवी रखते हैं, बेसिकली गिरवी रखते हैं, तो उसकी 85% तक की वैल्यू का आप क्रेडिट कार्ड इशू करा सकते हैं। मान लो कि अगर आपकी 1,00,000 रुपये की FD है और आप उसके बदले बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू कराते हो, तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बन जाएगी 85,000 रुपये तक की। बट ऑफ कोर्स ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, फ़र्क करता है, तो एक बार आप अपने बैंक से जाकर पता कर सकते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जिनके पास किसी तरह की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। उन लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए भी समय लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है कि अगर आपके पास किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, आप अपने बैंक में जाइए और अपने बैंक को जाके रिक्वेस्ट करिए, वो आपको इसके बदले क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। क्योंकि इस तरह के क्रेडिट कार्ड के अंदर आपकी सेविंग्स बैंक के पास गिरवी रखी होती हैं, इसलिए वो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगाते हैं, बहुत कम नहीं, हाँ, लेकिन एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड से इंटरेस्ट रेट कम होता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि अगर यूज़र यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के हर महीने का बिल समय पर जमा ना करें या फिर 2-3 किस्त स्किप कर जाएं, EMI आपसे मिस हो जाए, तो शायद आपका बैंक आपकी FD से आपका पैसा ले सकता है, यानी कि जो पैसा आपने नहीं पे करा वो फिक्स डिपॉजिट से ले सकता है। और मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते ही नहीं हैं, आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो ऑफकोर्स बैंक के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो उतना पैसा आपकी फिक्स डिपॉजिट से निकाले, फिक्स डिपॉजिट आपकी जब्त कर दे। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से एक और आपका फायदा ये होगा कि अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, तो वो आपकी FD के अगेंस्ट बड़ी आसानी से हो जाती है। और जिन लोगों के पास ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, यानी आपके पास अगर पेपर वर्क थोड़ा कम है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी कम है, क्रेडिट स्कोर आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं है, 2-3 डिफॉल्ट हैं, ऐसे लोग भी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट देने के बदले। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अभी फिलहाल इशू करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDBI बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे और बैंक्स हैं जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। लेकिन एक बार आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में अपने बैंक जाकर पता करें, उस पे लगने वाले ब्याज के बारे में पता करें, फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हो, कोई डाउट रह गए हो, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।